बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही अभी जवाब दिए मेरे को कि आइसोसेल्स ट्राइंगल में अगर हमें कोई भी एक एंगल दे दिया जाए और कौन सी साइड इक्वल है ये इंफॉर्मेशन हमें दे दी जाए, तो हम सारे एंगल्स बता सकते हैं, चाहे वो बेस एंगल हो चाहे वो बेस एंगल ना हो, है ना। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो एक ढंग का क्वेश्चन या थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, जिसे कहते हैं, मान लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड देयर इज अ लाइन बी डी ऑल्सो हियर, ओके। He says that BD, AD and CD all are equal. But in this question, he says that AD is equal to BD and BD is equal to CD. All are equal. That means AD, BD and CD all are equal to each other. Okay. He says, can we prove that angle ABC is the right angle? एंगल ए बी सी इज द राइट एंगल, क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो होगा वो एक राइट एंगल होगा। चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्री प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। चलो ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल लिखिए, ट्राइंगल बी डी सी ले लो, ट्राइंगल बी डी सी। चलो इन ट्राइंगल बी डी सी Since BD and CD are equal to each other, it is given to us that they are equal, right? Therefore, which triangles are equal? Of course, BD के सामने वाला एंगल C और CD के सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल DBC, ये दोनों इक्वल होंगे। इसको एंगल B नहीं लिख सकते, मालूम है ना, ये एंगल B नहीं है, ये एंगल DBC है, क्योंकि एंगल B पे वर्टाइसेस पे दो एंगल बन रहे हैं, तो हमें स्पेसिफिक करना पड़ेगा कौन से एंगल की बात करें। एंगल सी तो लिख सकते हैं, डी सी बी भी लिख सकते हैं इसका नाम, और एंगल सी भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सी पे एक ही एंगल बन रहा है, राइट। चलिए तो हमने कहा कि बी डी के सामने वाला एंगल सी कह लीजिए, चलो, और एंगल इज मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑपोजिट टू सी डी, सी डी के सामने वाले एंगल के, यानी कि एंगल डी बी सी के इक्वल है। क्या लगाया हमने, हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाया, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से हमने कहा ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। चलो समझने के लिए ऐसा करते हैं, दोनों को एक्स एक्स मार्क लेते हैं, ये दोनों एक्स एक्स हैं, ठीक है ना। ट्राइंगल बी डी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो डेफिनेटली एंगल सी और एंगल डी बी सी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी है दैट द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, राइट। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, चलिए ए बी डी ट्राइंगल में देखते हैं, ए डी एंड बी डी आर इक्वल, ए डी इज इक्वल टू बी डी, चेक कीजिए ए डी इज इक्वल टू बी डी। तो अगर हम यहां पर आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाएं तो एंगल एट ए विल बी इक्वल टू एंगल एट बी, दैट मीन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी बी ए, राइट। ये हमारे पास में गिवन था, इसलिए ए डी के सामने एंगल ए बी डी इज इक्वल टू बी डी के सामने वाला एंगल एंगल ए के इक्वल होगा। ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, क्लियर है। देखो अपन ने दो अलग अलग ट्राइंगल लिए हैं, दो अलग अलग ट्राइंगल में हमने दोनों को कहा कि ये दोनों ही ट्राइंगल कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बी एंगल इक्वल होने चाहिए, दैट मीन्स द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इसका मतलब ये एंगल अगर वाई है तो ये भी वाई होगा, ध्यान दीजिएगा मैंने दोनों को एक्स एक्स लिखा था तो दूसरे ट्राइंगल में वाई वाई लिखा, और अगर ये एक्स है तो ये दोनों एक्स वो ऐसा जरूरी नहीं है, ये कोई और एंगल हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, जिस तरह से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है इसी तरह से ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो लेकिन भी वाई वाई, ठीक है राइट। अब इस पूरे ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी की, तीनों एंगल का सम तो 180 होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें इन ट्राइंगल ए बी सी, सो इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है दैट द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल शुड बी 180 डिग्री। व्हाट इज एंगल ए अकॉर्डिंग टू आवर फिगर, इट इज एंगल वाई। What is angle ABC? According to our figure, it is x plus y. Similarly, angle C, the angle C is x and all the sums should be equal to 180. इन सब का सम 180 होना चाहिए. Angle
ए का, एंगल बी का और एंगल सी का, इनका तीनों का समवर्ती होना चाहिए, है ना। अब देखिए जरा अपने पास में जो इक्वेशन आई है उसमें 2x + 2y = 180 है। अगर 2x + 2y = 180 डिग्री है तो x + y 90 भी होगा, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विद 2 और यहाँ 2 कॉमन लेके वहां पे डिवाइड करने से देखें। लुक एट द फिगर, व्हाट इज x + y, हमने ये प्रूव कर दिया ना कि x + y = 90 है। लुक एट द फिगर, व्हाट इज x + y, राइट, x + y इज एंगल ए बी सी, और ये प्रूव करना था कि एंगल ए बी सी जो है वो 90 है। ये तो प्रूव करा था कि एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। बहुत शैली सा वर्क हो गया इधर उधर उधर इधर से ना, एक बार दोबारा से समझाओ, क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है और यूज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दोबारा से समझते हैं। चलो उसने कहा वापस से, बेटा डोंट इफ यू आर अनेबल टू राइट इट साइमल्टेनियसली अलोंग विद मी, फॉरगेट अबाउट राइटिंग द सेक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग बिकॉज आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड ऑल, ओके। तो आपने अभी किस पे ध्यान देना है, समझने पे ध्यान ज्यादा देना है बजाय इसको नोट करने के। चलो उसने हमें एक फिगर दी थी इस तरह से, उसने कहा एक ट्राइंगल है ए बी सी और यहाँ पे अपने पास में डी था, यानी डी डी जो था वो मीडियन था क्योंकि ए डी और सी डी इक्वल थे और ये मीडियन बी डी भी हाफ ऑफ ए सी था, या यूं कह लीजिए क्या गिवन था, ए डी बी डी सी डी ऑल आर इक्वल, ए डी बी डी एंड सी डी ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। हमें प्रूव करना था कि एंगल ए बी सी एक राइट एंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, या यूं कह लीजिए कि एंगल एट बी इज 90 डिग्री, हमें यह प्रूव करना था, ठीक है। हमने कहा आराम से प्रूव कर सकते हैं हम इसको, देखिए अगर ट्राइंगल बी डी सी की बात करें, ट्राइंगल बी डी सी की बात करें और बी डी इज इक्वल्स टू अगर सी डी हो तो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी तो x ही होना चाहिए, सिंपल सी बात है। दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी डी अगर देखें तो बी डी एंड ए डी आर इक्वल, ताकि अगर ये एंगल y है तो ये वाला एंगल भी y होना चाहिए। ऑफकोर्स देर आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड बोथ ऑफ देम आर टोटली डिफरेंट, सो डोंट try try to do this thing that whenever these two angles are x, these two angles will also be x. No, it may or may not be, and of course we cannot take these two angles as xx also because these are two totally independent triangles. अगर इस triangle के दो angles x x हैं base angles, तो इस ये भी एक isosceles triangle है, तो मतलब ये नहीं कि इसके base angles भी x होंगे, इस क्योंकि वो अलग ट्राइंगल है, इसलिए हम उसके बेस एंगल को क्या लेना चाहिए हमें, कुछ अलग, नॉट एक्सेक्ट बट लेट्स से वाई वाई, ओके। इस ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो एंगल एट ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ऑफकोर्स इन तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है ना। अगर इन तीनों का सम 180 है तो एंगल ए है y, एंगल ए बी सी हमारे पास में है x प्लस y, एंगल c है हमारे पास में x, और इन सब का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि 2x + 2y = 180 होना चाहिए, दैट मीन सिंपल वर्ड में कहें तो x + y = 90 होना चाहिए। चेक कीजिए ना, x + y 90 है। लुक एट द फिगर, व्हाट इज x + y, किस एंगल का नाम है x + y। अगर हम x + y की बात करें तो x + y एंगल ए बी सी है, तो एंगल ए बी सी जो है वो एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और यही प्रूव करना था अपने को कि इट इज अ राइट एंगल, इजी है ना। चलो इस एग्जांपल से एक चीज हमने और सीखी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम जो है कुछ रिजल्ट ला सकते हैं। जैसे ये रिजल्ट लाए हैं, वैसे ही मान लीजिए अपने से किसी ने कहा कि प्रूव दैट ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आर 60 डिग्री ईच, ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। प्रूव करो कि सारे एंगल्स जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के होते हैं वो इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं, राइट। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स का सम इक्वल होते हैं, ये प्रूव कर दो। चलो तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है तो इसका मतलब ए बी बी सी और सी ए ऑल आर इक्वल,
ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, इसका मतलब यही हुआ है ना। तो ए बी बी से इक्वल है, बी सी ए सी के इक्वल है, सब इक्वल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या यू कह लीजिए ए बी इक्वल टू ए सी है, यानी एक आइसोसेल ट्रायंगल भी है, तो ए बी के सामने वाला एंगल और ए सी के सामने वाला एंगल तो इक्वल होना चाहिए, ये दोनों एक्स होने चाहिए। ये सुनो, तो एंगल ए बी के सामने वाला एंगल एंगल सी और ए सी के सामने वाला एंगल डी इक्वल होने चाहिए। ये क्या है आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, राइट? ठीक है। और तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी और बी सी भी इक्वल है, ए बी और बी सी भी इक्वल है, और अगर ए बी और बी सी इक्वल है तो इसका मतलब ए बी के सामने वाला एंगल और बी सी के सामने वाला एंगल भी इक्वल होने चाहिए। अगर ए बी और बी सी भी इक्वल हैं, तो ए बी के सामने वाला एंगल और बी सी के सामने वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो ए बी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, चेक कीजिए, ए बी के सामने एंगल एंगल आ रहा है सी, और बी सी के ऑपोजिट एंगल, द एंगल विच इज ऑपोजिट टू बी सी इज एंगल ए, तो इसका मतलब एंगल सी और एंगल ए भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, राइट? तो अगर हम कंक्लूजन देखें तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए, क्योंकि एंगल सी एक्स है तो एंगल ए भी एक्स होना चाहिए। दैट इज ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, तीनों ही इक्वल होने चाहिए, राइट? अगर ये तीनों ही इक्वल है तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड से कंक्लूजन करें, कंक्लूड करें, तो एंगल ए एंगल बी प्योर एंगल बी एंगल सी इक्वल है, ऑल एंगल थ्री एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, लेट्स से एक्स, राइट? But we know that the sum of all the three angles is equal to 180 degrees because of the angle sum property of triangles. All the angles are equal and their sum is 180 degrees. It simply means that they are 60 degrees each. क्योंकि आप x की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो x की टर्म्स में लिख लीजिए, तो एंगल ए लिखिए, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ए के, एंगल सी भी किसके इक्वल है, एंगल ए के। So twice from angle A is equal to 180 degrees. That means angle A is 60 degrees. Thrice of angle A is equal to 180 degrees. Simply means that angle A is 60 degrees. But angle A was equal to angle B, angle B was equal to angle C. सब बोलना अलग और सब 60 degrees के equal हैं। कैसे प्रूव किया? Isosceles triangle की property से that each angle of an equilateral triangle is 60 degrees. है ना? बहुत basic बात है, ठीक है? चलो इसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती है आइसोसेलस ट्रायंगल की, उनकी भी बात करते हैं। यू रिमेम्बर वी हैव डन द चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला, एक चैप्टर किया था अपने हीरोन्स फॉर्मूला। उस हीरोन्स फॉर्मूला में अगर अपने को कोई ट्रायंगल दिया हुआ था, मतलब मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी जिसकी साइड मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर होती थी, हमें पूछा जाता था व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, What is the length of the shortest altitude? Remember? याद है? याद होना चाहिए। हमने क्या किया था? इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के हाफ बेस इनटू हाइट बताया था। अब बेस किसको लेना है ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। अगर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, तो हमने कहा लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड वी विल ड्रॉ ऑन द शॉर्टेस्ट साइड, या बेस सबसे छोटा होना चाहिए। छोटा जितना छोटा बेस होता है उतनी लंबी हाइट होती है, ऐसी चीज ना बस। यही कह लीजिए एक थोड़ा सा फिगर बिगाड़ के दिखाता हूँ। चलो ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी छोटा है, ए बी साइड बहुत छोटी है, इस पे जो एल्टीट्यूड ड्रॉन होगा उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी या सबसे लंबी होगी। इसके मुकाबले में अगर हम ए सी पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ए सी का एल्टीट्यूड हमेशा छोटा होगा, तो जितना लंबा बेस होता है एल्टीट्यूड उतना ही छोटा हो जाता है। ये सीखा था ना अपने, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड, ये इसकी कैलकुलेशन अपन ने करी थी किसने, हीरोन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर में, राइट? उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए एक आइसोसेलस ट्राइंगल हो तो, एक आइसोसेलस ट्राइंगल हो तो मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, इन विच ए बी एंड ए सी आर इक्वल, तो बी ई एक एल्टीट्यूड है, इसी तरह से सी एफ बी एक एल्टीट्यूड है मान लेते हैं। अब इनमें कौन छोटा बड़ा होगा? अगर ये एक आइसोसेलस ट्राइंगल है, ए बी और ए सी इक्वल है, हमने हीरोन्स फॉर्मूला में सीखा था छोटा बेस का मतलब हुआ
लॉन्गर द एल्टीट्यूड, जितना छोटा बेस होता है उतना लंबा एल्टीट्यूड उस पर ड्रॉन किया जा सकता है। उल्टा भी ठीक था, जितना लंबा बेस होता है उतने छोटा एल्टीट्यूड होता है। अब स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या होगा कि अगर दोनों के बेस ही सेम हो जाए? यस करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हेन वी डू हैव बोथ द बेसिस आर इक्वल, दैट मींस ए बी एंड ए सी अगर हम बेस मान लें, ये दोनों बेस अगर इक्वल हैं तो बी ई और सी एस बी तो इक्वल होने चाहिए, कोई छोटा नहीं होना चाहिए कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। चलो तो हमारा क्वेश्चन यही है, अगला पार्ट भी यही है जो हम प्रूव करने जा रहे हैं, वो ये है कि किसी भी आइसोसेल्स ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड इक्वल साइड पे ड्रॉन होते हैं, द एल्टीट्यूड्स व्हिच आर ड्रॉन ऑन द इक्वल साइड आर इक्वल, अगेन द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द इक्वल साइड इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। सो इन दिस क्वेश्चन लेट्स से गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी में इट इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विद एबी एंड एसी इक्वल। ओके, what we need to prove here is that BE and CF are equal. BE is the altitude drawn on AC and yes, CF is the altitude drawn on AB. ठीक है, कौन सी altitude equal होंगे? जो equal sides पे drawn है, जो equal sides पे altitude है वो equal होंगे, ये prove करना चाहते हैं। चलो तो ऐसा करते हैं, हम दोनों ऊपर वाले triangle को देखना शुरू करते हैं, इसको रख कर देता हूं मैं। देखिए क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्फिडेंट प्रूव कर सकते हैं? हम अगर हम ये दोनों ट्राइंगल कॉन्फिडेंट प्रूव कर दें तो बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंट ट्राइंगल बीई और सी एफ तो इक्वल हो ही जाएंगे। चेक करो क्या प्रूव कर सकते हैं, एलिमेंट जुड़ो, चलो ट्राइंगल ए बी ई आप एक सेपरेट चीज बना सकते हैं, तो ट्राइंगल ए ई बी और इसी तरह से एक और है अपने पास, ये ट्राइंगल है ए एफ सी। चेक कीजिए आपको क्या क्या एलिमेंट मिल रहे हैं दोनों में। पहला एलिमेंट मिला दोनों के पास में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट मिला, उसने कहा ए बी और ए सी इक्वल है। एक तीसरा एलिमेंट और चाहिए बस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, वन मोर एलिमेंट इज नीडेड। लुक एट द फिगर, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे पहचान पाए होंगे कि एंगल ए इज कॉमन, ये दोनों ट्राइंगल्स में है। चेक करो, है ना, तो दो एंगल एक साइड, एंगल एंगल साइड साइड बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। चेक करो, बात समझ में आनी चाहिए थी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं है, सीधा प्रूफ पे आते हैं। चलो, इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ए एफ सी, इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ए एफ सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, सिंस दिस इज कॉमन इन बोथ ऑफ ट्राइंगल फेसेस, सो एंगल ए इज कॉमन, राइट। वन मोर थिंग इज नीडेड, व्हाट इज दैट, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ईच 90, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है, दिया हुआ था कि ये दोनों एल्टीट्यूड है। One more thing was needed, and it was also given that side AB and side AC of these two triangles are equal. It was given. So therefore, triangle AEB and triangle AFC are congruent to each other by angle-angle side criteria. Check it. Two angle on a side. एक 90 degree angle दिख रहा है आराम से, एक एंगल ए है जो कॉमन है दोनों के पास है, एक साइड चाहिए थी हमें और वो उसने क्वेश्चन में दी थी कि ए बी एंड ए सी आर इक्वल, सो एंगल 90 डिग्री, एंगल ए कॉमन एंड ए बी इज द साइड। सिमिलरली हियर आल्सो एंगल एफ 90 डिग्री, एंगल ए कॉमन और ए सी, सो बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। इट सिंपली इंपार्ट दैट BE and CF are equal, right? तो आपकी बिल्कुल रीडिंग सही थी। किसी भी ट्राइंगल में एल्टीट्यूड छोटे या बड़े होते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारा बेस छोटा है या बड़ा। किसी भी ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में अगर देखें, AB is smaller and BC is
लॉन्गर। सो एबी पे ड्रॉन एल्टीट्यूड मान लेते हैं सी एस और बी सी पे ड्रॉन एल्टीट्यूड मान लेते हैं ए ई में ए ई छोटा होगा सी एस बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि छोटा बेस का मतलब है बड़ा एल्टीट्यूड और बड़े बेस का मतलब है छोटा एल्टीट्यूड। अगर हमें ये कोई कहे कि ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, चलो ट्राइंगल ए बी सी मान लेते हैं एक आइसोसेल्स ट्राइंगल, इसमें ए बी और ए सी इक्वल है और इनसे कोई एल्टीट्यूड ड्रॉन हो बी ई और सी एस, कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दे, तो बताओ बी ई लंबा होगा या सी एस लंबा होगा? विच वन इज स्ट्रॉन्गर बी ई और सी एस? हमारा कंक्लूजन बिल्कुल सही है कि बीई और सी एस में कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि बेस इक्वल थे, ए बी और ए सी इक्वल थे, तो बीई और सी एस भी इक्वल होने चाहिए, राइट? इज द वाइसी वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या इस स्टेटमेंट का अगर हम उल्टा पुल्टा पढ़ें, दूसरी तरह से पढ़ें, तो क्या वो भी सही है? मान लीजिए किसी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास तो एक ऐसी फिगर है जिसमें ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में बीई लंबी है और सी एस छोटी है, बीई लंबी है और सी एस छोटी है, तो हम बता सकते हैं बीई अगर लंबी है तो ए सी छोटी होगी और अगर सी एस छोटी थी तो ए बी लंबी होगी। अब उल्टा कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं इसमें बीई और सी एस इक्वल है, तो बताओ अगर एल्टीट्यूड इक्वल है तो क्या ए बी भी ए सी के इक्वल हम प्रूव कर सकते हैं? क्या अब भी आप ये कहोगे कि एल्टीट्यूड अगर इक्वल है तो साइड इक्वल होती है? हाँ बिल्कुल, अगर एल्टीट्यूड इक्वल हो तो साइड भी इक्वल होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इस बार भी ऐसे करते हैं, बी सी को इग्नोर करते हैं और दोनों ट्राइंगल्स ऊपर वाले जो ट्राइंगल्स हैं इनको कॉन्फिडेंस प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपसे पूछता हूँ, चलो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्फिडेंस करने के लिए आपको तीन एलिमेंट्स कौन कौन से मिल रहे हैं? ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल सही दक्ष, क्या बात है, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज इन ट्राइंगल, लुक एट द ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ई बी, जो आपने पिछले बार ट्राइंगल देखे थे वही देखिए, ट्राइंगल ए ई बी और ट्राइंगल ए एफ सी देखिए, आपके पास एंगल ए इस बार भी कॉमन है, इन दोनों ट्राइंगल्स में अभी भी ट्राइंगल एंगल ए तो कॉमन ही है, एंगल ए ई बी इस बार भी 90 और पिछली बार भी 90 ही था, तो ए एफ सी के इक्वल है बिकॉज इट इज ऑफ 90 डिग्री। वन मोर एलिमेंट ऐसे है, आपने पिछली बार ए बी टू ए सी दिया था, इस बार आप कह रहे हो बी ई टू सी एस है, और क्योंकि हमें मालूम है जब दो एंगल होते हैं तो साइड मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड बिटवीन द टू इक्वल एंगल, तो अगर आप दोनों को सेपरेट करके देखें तो ए बी और एक और अपने पास ट्राइंगल है ए एफ सी, दोनों के पास 90 डिग्री का एंगल है, एंगल ए दोनों का कॉमन है और एक ये वाला बी ई और जो सी एफ है वो इक्वल है, पिछली बार ए बी इक्वल टू ए सी था, इस बार ये इक्वल है, क्या फर्क पड़ता है? बात तो वही है, अपने तो क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, तो ट्राइंगल ए ई बी इज कॉन्फिडेंट टू ट्राइंगल ए एफ सी अगेन बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया और विच इंप्लाइज दैट द ए बी एंड ए सी साइड आर ऑल्सो इक्वल बाय सी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंट ट्राइंगल, again the same criteria, no? So in short what we have studied, that if the altitudes are equal, if the altitudes are equal, then the sides are also equal on which they are drawn, and vice versa of this statement also, if the sides are equal, the altitudes drawn on them are also equal, राइट चलिए तो चलते चलते लास्ट में एक बार फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बताइएगा मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल के अल्टीट्यूड कैसे होने चाहिए थे? इक्विलेटरल ट्राइंगल के अल्टीट्यूड की लेंथ आपस में कैसी होनी चाहिए? यस विख्यात सर, दे विल बी आल्सो इक्वल, ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल sir, as in equilateral triangle all three sides are equal, so any altitude which is in the opposite side will be also equal, correct, absolutely correct, bilkul theek hai beta, bilkul sahi bol rahe ho ki agar ek triangle hai abc aur usme altitude hai ad be and c,
सी एस तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, सो नन ऑफ देम इज बिगर और स्मॉलर, ऑल ऑफ देम आर इक्वल सिंस ए बी बी सी एंड ए सी ऑल आर इक्वल. आई थिंक दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर. सो इन आइसोसेल्स ट्रायंगल एज वी आर वर टॉकिंग that in isosceles triangle, the altitudes drawn on the equal sides are equal. The converse of this statement is also true. The if the altitudes are equal, then the corresponding sides on which they are drawn are also equal. Understood? So this is exercise 7.2. You can attempt the exercise 7.2 now. I will send you the PDF by easing. Try to solve them yourself and take the help of my notes if you want to. Okay? Take care. Have a nice day.